नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। खरौंधी से नवलेश पासवान की रिपोर्ट। आज रविवार को खरौंधी स्थित जर्जर मुख पथ को लेकर खरौंधी प्रमुख धर्मराज पासवान व उप प्रमुख गोरखनाथ चौधरी एवं समाज सेवी हिफाजत अंसारी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बीच सड़क पर की धनरोपणी। बताते चले कि खरौंधी बाजार की सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की वजह से यहाँ का आवागमन बाधित हो रहा है। खरौंधी प्रखंड अंतर्गत सभी 9 पंचायत का साप्ताहिक बाजार शनिवार को लगता है, परंतु सड़क की बदहाली के कारण पैदल भी चलना मुश्किल है। सड़क के बीचों बीच 2 से 3 फीट गड्ढे व पानी का जमाव लगा रहता है। पानी जमाव के कारण गंदगी व कीचड़ से स्थानीय लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। दुकानदारों को अपने दुकान में बैठना भी दुर्लभ हो गया है। स्कूली छात्र छात्राओं को भी कीचड़ व पानी भरी सड़क पार करने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन दुर्घटना घट रही है। खरौंधी प्रखंड की जनता वर्तमान विधायक की घोर निंदा करती है, जबकि कई बार सूचना भी दी गई थी, परंतु वर्तमान विधायक द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया, जबकि वे कई बार खरौंधी का दौरा भी किए हैं। जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने संबंधित विभाग व वर्तमान विधायक को चेतावनी देते हुए कहा, अगर अतिशीघ्र सड़क नहीं बनाई गई तो खरौंधी की जनता धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। प्रखंड प्रमुख धर्मराज पासवान, उप प्रमुख गोरखनाथ चौधरी, समाज सेवी हिफाजत अंसारी, अरंगी पंचायत BDC विजय कुमार मेहता, संतु बैठा, सुनर देव यादव, रविन्द्र मेहता, गुलाब चंद्र प्रजापति सहित सैकड़ों दुकानदार एवं स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। हम लोग पूरे जनप्रतिनिधि प्रमुख उपप्रमुख के नेतृत्व में, बड़े भाई हिफाजत अंसारी जी के नेतृत्व में, हम लोग धनरोपणी कार्यक्रम करके और स्थानीय विधायक को साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप जो विकास पुरुष के नाम से कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष हैं। आप देख सकते हैं विकास का जो ढिंढोरा पीटता चलता है पूरे क्षेत्र में, आज खरौंधी बाजार का मुख्य सड़क साबित कर दिया है कि भानु प्रताप शाही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। केवल विकास के नाम पर लूट मचा है पूरे विधानसभा में, विकास का नाम कोई चीज नहीं है। आज आप देख लीजिए सड़क पर क्या स्थिति बह रहा है, पानी जमा हुआ है, सड़क के नाली महक रहा है पूरा माटी, इससे काफी एक बीमारी भी फैल रहा है लोगों में, लेकिन माननीय विधायक द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। जबकि एक कार्यक्रम प्रखंड कार्यक्रम के कार्यालय में हम स्वयं बोले कि माननीय विधायक जी जो है मुख्य सड़क बहुत जर्जर स्थिति बना हुआ है। हमारे माननीय प्रमुख जी ने गढ़वा DC को पत्राचार भी किए, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं किया गया। हम लोग आज धान रोपनी करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इससे भी नहीं सड़क बना तो हम लोग आम रनसर भी करेंगे, लेकिन खरौंधी के व्यवसायी के हित में, खरौंधी की जनता के हित में हम लोग इस सड़क को बनवा के ही रहेंगे। यह भ्रष्ट विधायक को मुंह तोड़ जवाब देंगे, खरौंधी की जनता जवाब देगी। गोरखनाथ चौधरी, जिला उपप्रमुख संघ अध्यक्ष, सह खरौंधी प्रखंड उपप्रमुख। यह सारा श्रेय जो है भवनाथपुर विधानसभा का विधायक भानु प्रताप शाही का देन है। हम लोग तमाम खरौंधी प्रखंड के लोग, खरौंधी प्रखंड के प्रमुख धर्मराज पासवान और उप प्रमुख गोरखनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग ने निर्णय लिया कि आखिर खरौंधी बाजार में सारे लोग देहात क्षेत्र से आते हैं और यह जर्जर सड़क जो दिखाई दे रही है इसमें पानी गड्ढा भरा हुआ है। यहाँ के महिलाओं को डिलीवरी कराने जाने में इतना दिक्कत होती है और यहाँ का विधायक पूरा जो है सो ढिंढोरा पीट रहा है, नौटंकी कर रहा है, लेकिन यह मुख्य सड़क जो है हम लोग का भी नहीं बन पा रहा है। हम लोग यह कह खरौंधी की जनता की ओर से आह्वान करते हैं कि अगर यह सड़क चुनाव से पहले नहीं बनती है तो भानु प्रताप शाही को खरौंधी क्षेत्र में हम लोग नहीं घुसने देंगे। मेरा नाम हिफाजत अंसारी है, मैं खरौंधी प्रखंड पंचायत खरौंधी का रहने वाला हूँ और मैं एक समाज सेवी हूँ और घोर निंदा करता हूँ भानु प्रताप शाही का। ये ऐसा विधायक हम लोग को अब नहीं चाहिए। जो सर कई वर्षों से ये जो मुद्दा है सड़क को लेकर के, खरौंधी बाजार की स्थिति जर्जर है, तो इस पर सर क्या आप कहना चाहेंगे? आज जो आप देख रहे हैं कि खरौंधी जो मेन बाजार की सड़क है काफ़ी दयनीय स्थिति है, जर्जर स्थिति में है। यहाँ का जो रहने वाले व्यवसायी वर्ग के हैं, निवासी हैं, उनके घर में महामारी भी फैल जा रही है पानी जमाव के कारण। और हम लोगों ने स्थानीय विधायक सहित अन्य लोगों से भी कई बार प्रयास किया कि हमारा मुख्य सड़क बहुत जर्जर है, यहाँ जल जमाव होने के कारण महामारी फैल रहा है। आवागमन में बच्चों से लेकर के जो बच्चे स्कूली बच्चे हैं उनको और जो मार्केट में आते हैं सुदूरवर्ती इलाके से, सारे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन इसको यहाँ के विधायक द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है और विकास के नाम पर केवल ढिंढोरा पीटने वाला विधायक आज ये साबित हो रहा है तो विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं कि खरौंधी मेन बाजार में जब वो सड़क नहीं बनवा सकते हैं। हम लोग को छलने का काम उनके द्वारा किया गया है, जब यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा था
हम लोगों ने बोला था कि सबसे जरूरी है कि आप परिवाडी मोड़ चंदी मोड़ तक इसको जोड़ा जाए। उन्होंने वादा किया था जनता में कि ये सड़क जुड़ेगी, लेकिन जब रोड बन करके तैयार हुई इसके बाद हम लोगों को पता चला कि नहीं जुड़ा। उनको इसकी सूचना भी दी गई है, बावजूद इसके उनका कोई पहल नहीं किया जा रहा है। केवल जनता को ठगने का काम, नौजवान के पेट पर लात मार करके नौजवान संघर्ष मोर्चा के पार्टी गठन किए हैं और यहाँ की जनता के छलने काम करते हैं और अपने सत्ता में बैठ करके अपना पासा काम करते हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं और आज आप पूरे जनता के साथ यहाँ के प्रमुख होने के नाते हम लोग सड़क में जो स्थिति है धान रोपनी का, हम लोग धान रोप रहे हैं उनके विरोध में, उनको निंदा करते हैं। कभी भी आप सचेत लें और इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाएं, यही हम लोगों का डिमांड है, यही कार्यक्रम है। अगर अतिशीघ्र इसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है, पहल नहीं की जा रही, तो आप लोग क्या सोचते हैं? यदि इसमें पहल नहीं की जाती है तो हम लोग आमरण अनशन पर इसे बुझेंगे, व्यवसायियों के साथ यहाँ की जनता को लेकर के। हम लोग अपने नेतृत्व में, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हम लोग आमरण अनशन करेंगे। चाहे जैसे ही बनवाना हो, इस सड़क को बनवाने के लिए हम लोग कदम उठा चुके हैं और यदि इसके बाद भी विधायक सचेत नहीं करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अनशन करेंगे और इस सड़क को बनवाने का काम करेंगे। रामराज पासवान, प्रखंड प्रमुख खरौंदी, अध्यक्ष जिला प्रमुख। धन्यवाद।